गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 51। मैं आज आपको एक्सरसाइज 51 पढ़ाऊंगी। एक्सरसाइज 51 में हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिखी है 2/9 - 1/18, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम 9 और 18 का एलसीएम लेंगे। 9 और 18 एलसीएम का रफ वर्क होता है, इसलिए हम इसको साइड में करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें सबसे छोटी टेबल देखनी है, जिसमें या तो ये दोनों डिजिट आ जाए या फिर कोई एक डिजिट उससे डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल से 9 डिवाइड नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख लेंगे। और 18 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 9, 2 9 = 18। अब ये दोनों 3 की टेबल से डिवाइड होंगे, 3 3 = 9, 3 3 = 9। अगेन 3 की टेबल से 3 1 = 3, 3 1 = 3। 1 1 आने पर एलसीएम फिनिश। एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 3 बचरा इसको उतारो, 6 3 = 18। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 18। 18 हमारा आप कॉमन डिनोमिनेटर होगा, 18 को मैंने यहाँ लिख लिया। सबसे पहले हमें इस फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर सर्किल बना दिया। नीचे वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। 18 को 9 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन आएगा 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिया। नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, जो क्वेश्चन आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे, हमेशा नीचे वाली नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले से। अब इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 = 4, -1 1 = 1, 18 डिनोमिनेटर 7 के साथ चलेगा, ठीक। 4 में से 1 गए 3 3/18। अब ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि 3 और 18 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम और 18 आता है 6 टाइम, 3 6 = 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। इस तरह से हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/3 - 5/15। सबसे पहले वही 3 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 15, ये कॉमन डिनोमिनेटर। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 5, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के ऊपर न्यूमरेटर क्या है, 25 से, माइनस। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर इसके ऊपर क्या है, 5 से। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 5 को 1 से करेंगे, 5 1 = 5 15, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 120/15, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, अगर आप चाहो तो इसको 5 की टेबल से रिड्यूस करो, वरना आप चाहो तो सीधे इसको 15 की टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। मैं 15 से ही कर देती हूँ, 15 1 = 15, 15 8 = 120, सो आंसर इज 8/1 या फिर 8, दोनों करेक्ट है। इस तरह से हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं।